हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़ी मैच के बारे में जो हो सकती है इस साल के समर स्लैम में। दोस्तों, मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए बाकी है बस 3 हफ्ते और रूमर्स अभी से आ रहे हैं कि मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को स्मैकडाउन का सुपरस्टार जीतने वाला है। और फिर मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद एक बहुत बड़ा पेपर व्यू होने वाला है अगस्त में, जिसका नाम है समर स्लैम। और दोस्तों, हमारे पास समर स्लैम से जुड़ी हुई बहुत बड़ी न्यूज आई है। जैसे कि आपको पता है कि समर स्लैम में हाई प्रोफाइल मैचेस बुक होते हैं और हमें एक एब्सोल्यूट शॉकर भी देखने मिलता है। दोस्तों, सभी वेट कर रहे हैं बेसब्री से यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का। और रूमर्स है कि वो डायरेक्टली समर स्लैम में आएंगे, क्योंकि वो एक्सट्रीम रूल्स के लिए बुक नहीं है। और दोस्तों, रॉ रोस्टर पर ब्रॉक लेसनर ने ऑलमोस्ट सभी को हरा दिया है। तो फिर अकॉर्डिंग टू रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर, WWE के प्लान्स है कि ब्रॉक लेसनर हेडलाइन करेंगे इस साल का समर स्लैम और उनकी मैच हो सकती है सेथ रॉलिंस के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमें ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप की मैच देखने मिल सकती है इस साल के समर स्लैम में। क्योंकि सेथ रॉलिंस काफी ओवर है एज अ बेबी फेस और पूरे रॉ रोस्टर पर वही एक अच्छे बेबी फेस रेसलर है जो टक्कर दे सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। और रही बात सेथ रॉलिंस की मैच की एट मनी इन द बैंक पेपर व्यू, तो रूमर्स है कि सेथ रॉलिंस वो मैच विद इलायस वो हार जाएंगे और इलायस जीत जाएंगे और बन जाएंगे आपके न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और फिर सेथ रॉलिंस डायरेक्टली चैलेंज करेंगे ब्रॉक लेसनर को फॉर अ मैच एट समर स्लैम फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सेथ रॉलिंस इलायस से इसलिए हारेंगे क्योंकि इलायस न्यू टैलेंट है और वो भी काफी ओवर है। और दूसरा रीजन ये है कि सेथ रॉलिंस फिर डायरेक्टली यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर में जा सकेंगे। और फिर दोस्तों, रूमर्स ये भी है कि UFC की तैयारी करने के लिए ब्रॉक लेसनर को थोड़ा टाइम चाहिए और फिर इसीलिए सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर को हरा सकते हैं और बन सकते हैं आपके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन एट समर स्लैम। तो अब हमें देखना होगा कि अगर ये सच में होने वाला है तो इस पूरे फ्यूड और मैच को किस तरह से बुक किया जाता है। फिलहाल तो दोस्तों, ये सब रूमर्स है, फिक्स कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें देखना होगा कि क्या WWE सेथ रॉलिंस को सिलेक्ट करती है एज ब्रॉक लेसनर अपोनेंट या फिर किसी और को। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि समर स्लैम मतलब बहुत बड़े मैचेस और बहुत बड़े रिटर्न। तो फिर हमें दोस्तों मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना का रिटर्न और मैच भी देखने मिल सकता है एट समर स्लैम। और जॉन सीना का समर स्लैम मैच हो सकता है जिंदर महाल के साथ, क्योंकि जिंदर महाल एक डेवलप्ड और बड़े हील है रॉ में। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर की रीमैच देखने मिल सकती है एट समर स्लैम। जैसे कि आपको पता है कि अंडरटेकर काफी अच्छे शेप में है, तो फिर हमें उनका एक ग्रैंड रिटर्न देखने मिलेगा और एक मैच भी विद जॉन सीना एट समर स्लैम पेपर व्यू। और रही बात द बिग डॉग रोमन रेंज की, तो ऑब्वियसली हमें उनका भी बड़ी मैच देखने मिलेगी। और रोमन रेंज की मैच हो सकती है विद द डिस्ट्रॉयर बॉबी लैशली। सैमी ज़ेन के बकवास फ्यूड के बाद WWE बॉबी लैशली को बहुत अच्छे से बुक करेगी और उन्हें हाई प्रोफाइल मैचेस में रखेंगे। तो फिर दोस्तों, हो सकता है कि हमें ड्रीम मैच देखने मिले समर स्लैम में, बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंज। और एक बड़ी मैच हमें देखने मिल सकती है एट समर स्लैम और वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि इन दोनों की राइवलरी हमने टैग टीम मैच में भी देखी थी और काफी मजा भी आया था जब ये दोनों आपस में भिड़े थे। तो फिर हमें इनकी मैच समर स्लैम में देखने मिल सकती है। और दोस्तों, अगर रॉ का सुपरस्टार मनी इन द बैंक जीता और अगर समर स्लैम में सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और बन गए वो आपके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, तो फिर तभी उसी वक्त वो रॉ सुपरस्टार अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करेगा और फिर तभी सेथ रॉलिंस को अटैक करके और पिन करके बन जाएगा न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो फिर दोस्तों, हमें बहुत सारे सरप्राइजेस, शॉकिंग मूवमेंट्स एंड ट्विस्ट देखने मिल सकते हैं समर स्लैम तक। तो दोस्तों, फिलहाल तो इन मैचेस की प्रेडिक्शन हमने की है। तो फिर हमें देखना होगा कि विंस मैकमैन समर स्लैम के लिए कौन सी बड़ी मैचेस बुक करते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और आपका क्या कहना है दो चीजों पर। फर्स्ट, कि आप खुश होंगे अगर सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को हराया और वो बन गया आपके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और सेकंड, आपको कैसे लगे हमारे प्रेडिक्ट किए हुए मैचेस फॉर समर स्लैम। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।